ये देखिए सफेद मोर, रोक रोक के गैस घुमाया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए अंदर थोड़ा जा रहे हैं, यहाँ पर फोटो के लिए बहुत अच्छी अच्छा लोकेशन है। तो गाड़ी हम लोग यहाँ लेगा, देखिए लिखा हुआ है हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं भी आया हूँ पटना जू, और आज हम लोग अंदर पैदल नहीं गाड़ी का सफर, गाड़ी से सफारी करने वाले हैं जू के अंदर। ये देखिए गाइस टिकट पटना जू का 30 रुपये लगेगा पर व्यक्ति, बच्चे का भी वही लगेगा, रेट कम नहीं है। तो गाइस मैं अंदर आ चुका है, आज हम लोग गाड़ी सफारी करने वाले हैं। मैं अपने दो दोस्त के साथ आया हूँ, यहाँ प्रशांत है और यहाँ विनीत है। तो चलिए ब्लॉग में बनाइए गाइस, स्किप मत करिएगा। तो गाइस यहाँ पर से आपको ट्रेन के लिए टिकट कटेगा और वहाँ पर गाड़ी के लिए, दोनों का एक ही दाम है, 30 रुपये पर लग रहा है। मैंने 3 टिकट लिया है, तो हम लोग ट्रेन बनाने वाले, हम लोग आ चुका है, तो यही है गाइस वो गाड़ी ट्रेन वाला जो मैं आपको बोल रहा था, इसे हम लोग अभी जाने वाले हैं। देख लीजिए पैसेंजर तो भरते जा रहे हैं, आराम से इसमें आप लोग बैठ के जा सकते हो। हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, गाड़ी में लगे ट्रेन वाला, तो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, उसका 2 बजे में मिलने वाला, पहले अगर बुकिंग करना पड़ता है, जंगल वाले एरिया में है। गैस घुमाया जाएगा यहाँ पर, देखिए सबको उतर रहे हैं, अपना घूम लिए फिर आकर बैठ जाएगा, सीट याद रखना। चलो प्रशांत अब फोटो खींच लेते हैं भाई उसमें, चलो आगे गैस हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा फोटो शूट के लिए गैस यहाँ पर लोकेशन है, गार्डन कैसे जाए विनीत, चलिए तो अंदर चलते हैं गैस, अंदर थोड़ा जा रहे हैं, यहाँ पर फोटो के लिए बहुत अच्छी अच्छा लोकेशन है, बीच में गाड़ी रोक के आपको घुमाते रहेगा, समझिए 1 घंटा लगता घुमा ही देगा। तो गाड़ी हम लोग यहाँ लेगा, देखिए लिखा हुआ है वाटर गार्डन, इसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत फाउंटेन है यहाँ पर, ओ माय गॉड देख लीजिए बहुत खूबसूरत वहाँ पर है वाटर फाउंटेन, फोटो यहाँ पर लेने के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा लोकेशन है। तो गाइस हम लोग घूम कर आ गए हैं, फोटो वगैरह कुछ क्लिक कर लिए, बैठ गए हैं और आगे जाएगा गाड़ी। तो गार्डन से गाइस घूम के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग को जंगल देखने को मिल रहा है, जानवर पता नहीं कब मिलेगा देखने को। ये देखिए वो आदमी है सूखा हुआ, उसका पेड़ लगा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आगे दूसरा वाला जो गेट है यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक है, एयरपोर्ट के एरिया से दूसरा गेट आता है हम लोग हमेशा, लेकिन ज्यादा लोग हमेशा पहले वाले गेट से घुसते हैं। प्लान तो गाइस हम लोग इस गाड़ी में घूमने का था, ये छोटा वाला जो है, बट हम लोग आ गए ट्रेन पर, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी घूमने का अगर टाइम मिलता है तो। ये देखिए हम लोग आ गए हवाई जहाज, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ये है यहाँ से मोर, सफेद मोर, देखिए गाड़ी रुकने का नाम ले रहा है, रुक के आपको दिखाते हैं, यहाँ सुधा का बूथ पार्लर। चलिएगा थोड़ा सा उतारा, यहाँ पर हम लोग मोर वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा रुका गया है थोड़ा देर के लिए, बस 2 मिनट हर जगह रुका जाएगा। ये देखिए सफेद मोर, वाह क्या खूबसूरत लग रहा है, देख लीजिए पूरा वाइट है, बहुत खूबसूरत है गाइस। थोड़ा आगे बढ़ रहे गाइस, आगे हम लोग लंगूर देखने के लिए, देखिए आपको लंगूर बंदर के जैसा दिखता है ये, बट बंदर नहीं होता लंगूर है, देख लीजिए लंगूर के बारे में यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने का, ये देखिए ये लंगूर। तो 2 ही मिनट का टाइम मिलता, चिल्लाने लगता है ट्रेन वाले चाचा जी,
ज्यादा के नहीं घूमने दिए। साइड में आप लोग देखिए यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, यहाँ भी फोटो वगैरह लोग लेते हैं खड़ा होकर। और यहाँ पर बूथ भी है सुधा का, आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेन वाले में गए थे, उतना खास मजा नहीं आने वाला, दो मिनट में क्या देखिएगा, तुरंत एकदम जाते ही टाइम लग जाता है, बूथ चिल्लाने लगते हैं। तो और देखते हैं भाई कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, अभी तक तो एक दो ही जानवर लोग देखने मिला, छोटा मोटा, बड़ा जानवर तो देखे नहीं। यहाँ पर गए थे भालू देखने को मिलने वाला, देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन है और यहाँ पर आपको भालू देखने वाला, भालू है नहीं आई थिंक, मरबा नहीं रहता इस बार भी। ये है ये तेंदुआ का, देखिए बोर्ड हर जगह लगा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाइन यहाँ का जा चुका है जू सफारी राजगीर, तो आपको यहाँ ही देखने वाला मिलने वाला है, आपको राजगीर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये ट्रेन वाला मैंने से सफर कर लिया, आपको मैं सच बोलूंगा बिल्कुल मजा नहीं है, 30 रुपये लगता है लेकिन 30 रुपये का बर्बादी है। एक राउंड लेकर आ गया, जानवर को ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, पूरा जंगल ही जंगल आपको सफर करके आ गया। तो अगर इस पर अगर आप लोग जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, अपने फ्रेंड से पूछता हूँ उनको कैसा लगा। बताओ प्रशांत। कुछ खास नहीं लगा। क्यों? मतलब ये है कि ये जानवर को दिखाया नहीं जा रहा है, मतलब ये गार्डन दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो विनीत बताओ। ये तो हुआ ये कि सिर्फ बाहर से घुमा दिया गया, अंदर ले जाया नहीं, जंगल देखने को मिला ना, देखने गए थे जानवर बहुत सारे एनिमल्स, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ। मेरा गाइस एक्सपीरियंस जो था मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत ही खराब था, इससे मजा बिल्कुल नहीं आया। ट्रेन वाले पर तो आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल मजा आइएगा, गाड़ी वाला जो उस पर जाएगा बहुत देर तक घुमाता भी है, 40-50 मिनट, और हर जगह रोकर दिखाता भी है। और ट्रेन वाला ज़्यादा आपको घुमाएगा नहीं, सिर्फ जंगल जो घुमाएगा और 2 मिनट बोलेगा रुकने के लिए, और 2 मिनट तक रुकता भी नहीं है, तो आप लोग फोटो वगैरह भी ठीक से क्लिक नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ट्रेन वाला पर तो हम लोग खोलिए, और दूसरा गाड़ी वो भी 3 बजे के बाद खोलने वाला है, तो अगले बार मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। तो यहाँ से हम फाइनली मैं निकलने वाला हूँ, तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।